नवादा जिला के रजौली थाना क्षेत्र के हरदिया पंचायत के परतौनिया और चरघरवा गांव के जंगलों में रविवार को एसपी नवादा अमरीश राहुल के निर्देशानुसार दंडाधिकारी की मौजूदगी में एसडीपीओ पंकज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम के सहयोग से करीब एक एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि सूचना तंत्र द्वारा जानकारी मिली थी कि रजौली थाना क्षेत्र के जंगली क्षेत्र में भारी मात्रा में अफीम की खेती की जा रही है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई को लेकर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश कुमार, एसआई गौतम कुमार, जिला पुलिस बल और वज्र टीम भी शामिल थी। घंटों चले ऑपरेशन में एक एकड़ जमीन पर कच्ची अफीम की खेती को ध्वस्त किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि सुबह में और गांव में पहाड़ी दुर्गम रास्तों को पार करते हुए टीम ने यह सफलता अर्जित की है। साथ ही बताया गया कि जंगल के नालों के पास और छोटी पहाड़ी की घाटियों के बीच छुपी हुई जमीन पर लगी है अफीम की फसल लगभग तैयार हालत में थी। अगर समय रहते इसको ध्वस्त नहीं किया जाता तो करोड़ों के मूल्य का नशा बाजार तक पहुंच जाता। पुलिस की कार्रवाई कई दिनों की लगातार प्लानिंग एवं सूचना संकलन के बदौलत सफल हुई है। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा कि परतौनिया के दो जगहों पर अफीम की खेती दो दंडाधिकारी के सामने नष्ट किया गया। वहीं अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी विगत दो वर्षों में तीन बार पुलिस कार्रवाई कर इसी स्थान के आसपास अफीम की खेती को विनिष्ट किया गया था, लेकिन सुदूरवर्ती क्षेत्र के कारण बार बार पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी अफीम का कारोबार फल फूल रहा है। नवादा से सनोज कुमार संगम की रिपोर्ट।